की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। মন্ত্রী যারা উপস্থিত আছেন, আমাদের রাজ্যের নেতৃত্ব এবং জেলা সভাপতি, তাদেরকে সবাইকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। আমাদের জেলা সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ রায়, আমাদের রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক সংগঠন মাননীয় সুব্রত চট্টোপাধ্যায়কে বরণ করে নিচ্ছি। জেলা সহসভাপতি শ্রী শিবু পানিকাই, আমাদের রাজ্যের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু মহাশয়কে বরণ করে নিয়েছেন। অন্যতম সহসভাপতি সানিয়া কৃষ্ণা বসু কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, তাকে বরণ করে নিয়েছেন। মদন হরিদাস আমাদের জেলার সম্পাদক। ঝাড়গ্রাম লোকসভার মাননীয় সাংসদ কুনার রেড্ডিকে বরণ করে নিচ্ছেন। আমাদের অন্যতম সহসভাপতি শেখ আব্দুল মঈন ভাই, আমাদের জোনাল কনভেনার শ্রী তুষার মুখার্জী, তাকেও আমরা বরণ করে নিচ্ছি। বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের জেলার সম্পাদক শঙ্কর দাস। সভাপতি এবং অন্যান্যদের সবাইকে আমরা একসাথে বরণ করে নিচ্ছি। রাজ্যের অন্যতম সহসভাপতি মাননীয় রাজকুমারী কেশরী, তাকে বরণ করে নিচ্ছে আমাদের যুব মোর্চার সভাপতি ভাই আশীর্বাদ ভৌমিক। আমাদের জোনাল বিস্তারক নিধির দাকে বরণ করে নিচ্ছে। আমাদের মিডিয়া সেলের কো কনভেনার অমিত রানা, আজকের এই দেখিয়ে টিএমসি কা এক রাজ্যসভা কা সাংসদ থা, জিনকা নাম থা ইমরান। ও ব্যক্তি কে ঘর পর সিমি কা দপ্তর থা। ও ব্যক্তি খুদ সিমি কে সাথ জুড়া হুয়া ব্যক্তি থা। তো আবু তাহির খান ভি এসা এক ব্যক্তি হ্যায়। ভারত সরকার সে হামারা দরখাস্ত হ্যায়, জিস ব্যক্তি সিমি কে সাথ জুড়া হুয়া হ্যায়, জো সাংসদ পিএফআই কে সাথ জুড়া হুয়া হ্যায়, এসে ব্যক্তি কো তুরন্ত গ্রেফতার করনা চাহিয়ে। আবু তাহির খান কো গ্রেফতার করনে কে লিয়ে হামলোগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি আর গৃহমন্ত্রী জি কো লিখেঙ্গে কি কড়ি কার্রবাই হো। বঙ্গাল মে পশ্চিম বঙ্গাল কো পশ্চিম বাংলাদেশ বাননে কা জো সম্ভাবনা মমতা ব্যানার্জি নে শুরু কি হ্যায়, ইসকা ইয়ে এক্সটেনশন হ্যায় PFI का ऐसा पोस्टर और जिसमें TMC के सांसद का नाम भी है। लेकिन उन्होंने अभी कहा कि नहीं, मेरा कोई अनुमति नहीं लिया गया, उससे पहले ही पोस्टर कर दिया गया है PFI का। अभी PFI इसका मतलब है वहाँ पर, और मेरा नाम तो नहीं लिया। हमारे कुणाल हेमराम जी यहाँ बैठे हुए हैं, सांसद है झारखंड, उनका नाम तो नहीं है। क्यों अभी ताहिर खान का नाम लिया गया विदाउट परमिशन? ऐसा होता है क्या? उनको हिरासत में लेना चाहिए और उनका साथ उनको पूछना चाहिए किस किस लोगों को जानते हैं। अभी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो 26 जनवरी का जो टैबलो है बंगाल का, उसको डिनाइड कर दिया है। अच्छा किया, बंगाल का जो टैबलो है वो बंगाल का और देश का मान सम्मान को नीचा दिखाने का प्रयास था, उसको डिनाई किया। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। योगी जी के सरकार ने 7 दिन टाइम दिया है 450 लोगों को, जिस जो लोग अभी वहाँ पे किया है तोड़फोड़ CAA के दौरान, CAA प्रोटेस्ट के दौरान, सारे को पैसा देना होगा 7 दिन। बंगाल में भी ममता बनर्जी की सरकार को ऐसा ही रुख अपनाना चाहिए। मैं आपको पूर्ण आश्वासन देता हूँ, पार्टी के माध्यम से हमें ये जानकारी मिला है कि BJP शासित किसी प्रदेश में किसी प्रकार और तोड़ फोड़ नहीं होगा। अब निश्चित रहिए, सरकार अपना कानून का व्यवस्था कड़ी ढंग से कर रही है। बंगाल में बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान, यहाँ के मुसलमान नहीं, बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान ट्रेन को तोड़ा, बस को तोड़ा, कल हमारे दत्तपुकुर को जलाया, हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बंगाल में भंग हो चुका है। केरला का जो राज्यपाल है उन्होंने कहा जो वो लोग नया जो बिल ला रहे हैं
सीए के अगेंस्ट में, वो एकदम उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। कैसा बिल, विधानसभा का अधिकारी नहीं है। कल पश्चिम बंगाल विधानसभा अगर निर्णय करे कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल धनखड़ जी ना रहकर और कोई होगा तो हो सकता है क्या? अधिकार क्षेत्र में नहीं आता हो विधानसभा का, ये संसद का मामला है, पार्लियामेंट का विषय है, भारत सरकार का विषय है, ये सेंट्रल सब्जेक्ट है ना, ये जॉइंट विषय में आता है और ना प्रदेश का सब्जेक्ट है, ये सेंट्रल सब्जेक्ट है। केंद्र की सरकार करेगी अपना काम करेगी। थैंक यू। चलो टाइम लगता नहीं।